किसी ने नहीं देखा। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल टेक्निकल XYZ में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से नया ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो आपने स्टार्टिंग में देखा, मैं उस वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। और दोस्तों, आप अपने TikTok पर थोड़े बहुत फॉलोवर और लाइक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस ना करें। और दोस्तों, साथ ही में अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वो भी थोड़े बहुत अपने लाइक और फॉलोवर बढ़ा सके। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वीडियो कैसे बनानी है। आपको चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर सीधे। हाँ तो दोस्तों, चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों, मैं काइन मास्टर का प्रो वर्जन यूज करता हूँ। अगर आप पर नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको सिंपली अपना काइन मास्टर ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप देखेंगे बीच में एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक 3 एब्सेक्ट रेशियो मांगेगा आपसे। तो सिंपली आपको बीच वाला सेलेक्ट करना है, 9:16 जो मोबाइल वाली शेप में है। एक बार आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस फिर आपके सामने फिर नया एक इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके राइट साइड के कॉर्नर पर एक मीडिया का ऑप्शन ऑन है। तो सिंपली आपको उस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी खुल जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फर्स्ट में बैकग्राउंड का, सिंपली आपको उस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड खुल जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लाने के बाद नीचे बैकग्राउंड पर टैप कीजिए और इस येलो वाले पार्ट पर टैप कर इसको स्क्रॉल कर लीजिए 15 सेकंड तक। फिर सिंपली आपको यहाँ से उसको राइट कर देना है और फिर इस एरो पर टैप कर आप स्टार्टिंग में चले जाइए। फिर दोस्तों, मैंने आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको लाने के लिए आपको सिंपल यहाँ लेयर पर टैप करना पड़ेगा और फर्स्ट में ही एक ऑप्शन आएगा मीडिया का। फिर आपकी गैलरी खुल जाएगी। दोस्तों, जो वीडियो आपने डाउनलोड करी है वो जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से ले लीजिए। मैंने अपनी वीडियो ले ली है। अगर दोस्तों नीचे दी गई लिंक से आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं होती तो मैंने अपनी TikTok ID भी लिंक दे दी है, वहाँ से आप TikTok पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर दोस्तों, आपको क्या करना है, या तो आप इस एरो पर टैप कर इसको फुल स्क्रीन में करिए, वरना सीजर के बराबर वाले बॉक्स पर टैप कीजिए और इस वाइट ब्लैक वाले पे सॉरी वाइट वाले पर टैप कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाएगी। फिर सिंपली आपको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको अपनी वीडियो पर टैप करना है तो आपके ऑप्शन खुल जाएंगे बहुत सारे राइट साइड में। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आएगा क्रोमा की का, सिंपली आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अनेबल का ऑप्शन आएगा, उसको आप अनेबल कर दीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको जो कलर मिल रहा है ये वाला ग्रीन, इस पर टैप करिए। दोस्तों, अगर आपका यहाँ कोई भी कलर हो सकता है उसकी जगह सिंपली आपको ग्रीन कलर ही चूज करना है। फिर सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में चले जाना है, यहाँ पर अपनी वीडियो में ये वाली जगह सर्च कर लेनी है। फिर आपको सिंपली अपना एक फ़ोटो लेके आना है, उसको लाने के लिए आपको लेयर पर टैप करना पड़ेगा और फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा मीडिया का, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप जो भी अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो उसके अंदर कोई भी अपना एक फ़ोटो ले लीजिए। दोस्तों, मैंने अपना ये वाला एक फ़ोटो ले लिया, आप भी कोई भी अपना एक फ़ोटो ले लीजिए। फिर लाने के बाद सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोटो को इसके अंदर एडजस्ट करिए। एडजस्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा 3 डॉट का, आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। ऊपर से 5वें नंबर पर एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैक, आप एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका फ़ोटो बैकग्राउंड में चला जाएगा। फिर आप अपने फ़ोटो को इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से राइट करना है और अपनी वीडियो को एक बार प्ले कर देना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले रुकिए, आपको एक चीज़ और सर्च कर ली एक काम और कर लेना है आपको। जैसे यहाँ से हमारा मोबाइल ख़त्म होता है, पहले उससे आगे का आप अपना फ़ोटो डिलीट कर दीजिए। यहाँ से अभी फ़ोटो डिलीट करने के लिए आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है और सीजर पर टैप करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट कर देना है। दोस्तों, इस काम को आप पहले ही कर लेना, बाद में ना करें क्योंकि दिक्कत आएगी फिर। हाँ तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो अगर प्ले करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोटो थोड़ा पीछे रह गया, तो आपको अपने फ़ोटो पर टैप करना है और की वाले ऑप्शन में जाना है और एक बार यहाँ से प्लस कर लेना है और फिर अपने फ़ोटो को आपको इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। फिर सिंपली आपको यहाँ से एक बार राइट करना है और फिर प्ले करना है। दोस्तों, हमारा फ़ोटो फिर पीछे रह गया, आपको फिर एक बार फ़ोटो पर टैप करना है और की पर जाना है और एक बार प्लस कर लेना है। फिर अपने फ़ोटो को इसके अंदर आपको दोबारा एडजस्ट कर लेना है। फिर सिंपली आपको यहाँ से एक बार राइट कर देना है, फिर एक बार प्ले कर देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारी वीडियो बनकर रेडी हो गई। आपको क्या करना है, अपनी वीडियो देख लेनी है आपको। अब दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है वहीं पर अपनी वीडियो पॉज कर देनी है और फिर आपका जो फालतू का बैकग्राउंड है उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए आपको बैकग्राउंड पर टैप करना है और सीजर पर टैप करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट सेकेंड वाला कर देना है सेलेक्ट। फिर आपको सिंपली यहाँ से राइट करना है। राइट करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा शेयर का,
आपको शेयर पर टैप करना है और यहाँ आ जाएगा एक्सपोर्ट का, यहाँ से अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर दीजिए अपनी मेमोरी में। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक।